नमस्कार दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इस मैच में एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब विराट कोहली को बेईमानी करते हुए अंपायर ने आउट दे दिया। दरअसल जब भारत के दो विकेट गिर गए थे और विराट कोहली और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे एजाज पटेल, तब उस ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड ने कोहली के खिलाफ LBW की अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, जिसके बाद तुरंत विराट कोहली ने DRS लेने का फैसला किया क्योंकि उनको पता था कि गेंद ने बल्ले को चूहा है। इसके बाद जब रिव्यू में देखा गया तब भी ऐसा ही लग रहा था कि पैड को लगने से पहले गेंद ने बल्ले को चूहा है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होने का हवाला देते हुए अंपायर ने कोहली को आउट दे दिया, जिसके बाद विराट कोहली के साथ सभी दंग रह गए। यहां तक कि कमेंटेटर्स भी अंपायर के इस फैसले से हैरान रह गए। कोहली को इसके बाद काफी गुस्से में देखा गया और इसको लेकर उन्होंने अंपायर से बहस भी की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये आउट था या नॉट आउट, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।